की जाएगी। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कसरावत नगर की शासकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय वार्ड क्रमांक 8 विद्यालय परिसर में स्थानीय निवासियों द्वारा मवेशी बांधे जाते हैं। इस संबंध में शिक्षकों ने कई बार मना किया, लेकिन मना करने के बावजूद रहवासियों के द्वारा मवेशी बांधे जा रहे हैं, जिससे स्कूल में मच्छर, बदबू, गंदगी की वजह से बच्चों को होती है परेशानी, जिसकी शिकायत कई मर्तबा नगर परिषद को की गई, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया, न ही कोई जिम्मेदार अधिकारी देखने आया। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। और अब तक कोई कार्रवाई हुई है? नहीं नहीं, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। और हम जैसे मुझसे भी कहते रहते, जब भी कभी कोई नगर पालिका के कर्मचारी वगैरह, ये अध्यक्ष वगैरह चुनाव के टाइम में आए थे, तो हमने उनको कहा भी था, उन्होंने भी खुद देखा है। ये कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं है। बांध रहे हैं, हम भी बोलते हैं रोज इनको कि भाई यहाँ पर मत बांधा करो, थोड़े अपने इधर में बांधा करो, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, मच्छर होते हैं, तबीयत खराब होती है उनके। तो मवेशी मालिकों को क्या कहना है? वो तो कुछ नहीं बोलते, हाँ हटाइए होगा मैडम, हटा लेंगे, वो बांध लेंगे, और फिर वही पर रोज चलता रहो, कब तक किस किस करेंगे? हम बच्चों को पढ़ाएं कि हम उनके से मतलब हटाई करें? बोल कोई कार्रवाई नहीं, इसलिए हम ज़्यादा फिर बोलते नहीं है। ठीक है, जो भी है। आपका नाम क्या? श्रीमती अनिता जैन। आप शासकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय क्रमांक 8 शहर में जो शासकीय कन्याशाला क्रमांक 8 से आपके पास में आवेदन आए हुए हैं, कई बार शिकायत की गई है नगर परिषद से, अब तक कोई कर्मचारी वहाँ देखने भी नहीं गया है। अभी आपके द्वारा मुझे शिकायत संज्ञान में ली गई है, तत्काल मैंने दरोगा को निर्देश दिए, नोटिस जारी करें और उसमें आगामी कार्रवाई करें। स्वच्छता के विषय में यहाँ पर भी नगर परिषद द्वारा ठेका किया गया है, जबकि अब तक ठेकेदार के द्वारा कोई कर्मचारी काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, वहीं नगर परिषद के कर्मचारी ही काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठेकेदार के कर्मचारी भी काम कर रहे हैं, और अभी जैसे कार्य योजना के अनुसार कर्मचारी घटाना बढ़ाना जो भी करना है ठेकेदार को निर्देशित किया जाएगा। सर आपका पूरा नाम? प्रियंक पंड्या।